हेलो फ्रेंड्स, स्वरा स्वीडी लाइट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की ये जो रेसिपी है वो है खस्ता मसाला पूरी या क्रिस्पी मसाला पूरी। और बारिश का मौसम है तो चाय या कॉफ़ी के साथ ऐसी पूरियाँ खाने का मज़ा ही कुछ और है। या आप बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में भी इसे पैक करके दे सकते हो, इवनिंग टाइम एज अ टी टाइम स्नैक्स, या ट्रैवलिंग के लिए आप ये बना सकते हो। बहुत आसान सी रेसिपी है, कम से कम सामग्री में हमने इसे बनाया है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, इसकी क्रिस्पीनेस आप देख सकते हो, बिल्कुल खस्ता है, क्रिस्पी है। तो चलो शुरू करें आज की ये आसान सी रेसिपी। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम मसाला बना लेंगे। तो यहाँ पे एक टीस्पून मैंने जीरा लिया है, उसी में हम काली मिर्च डालेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ी कम काली मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये हम बच्चों के लिए बना रहे हैं। अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं तो आप काली मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। यहाँ पे मैंने 1/4 टीस्पून काली मिर्च ली है, और ये है कसूरी मेथी, उसे भी हम इसमें डालेंगे। इससे इसका जो फ्लेवर है बहुत अच्छा आएगा। अब इन तीनों को हम दरदरा कूट लेंगे। फ्रेंड्स, हमने इसे दरदरा कूट लिया है, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं बनाया हमने। और इसे अब हम साइड से पहले हम इसमें मैदा डालेंगे। मैदा मैंने 1.5 कप लिया है। मैदे के बाद इसमें हम डालेंगे 1/4 कप सूजी, ये बहुत ही फाइन सूजी है, फाइन रवा है। इसमें हम नमक डालेंगे। यहाँ पे हमने ये जो मसाला कूटा था वो भी हम इसमें डाल देंगे। एक बार हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल 1 चुटकी कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ कलर के लिए। जैसे मैंने पहले आपसे कहा था, हम ये बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हमें ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनानी है। यहाँ पे हमने 1/4 टीस्पून अजवाइन ली है, उसे भी हम कूट के इसमें डाल देंगे। अजवाइन को भी हमने कूट लिया है। और फ्रेंड्स, अजवाइन को आप जीरा और काली मिर्च के साथ एक साथ में पीस सकते हो, कूट सकते हो। दोबारा से हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून तेल, ये नॉर्मल रिफाइन ऑयल है, और रूम टेम्परेचर वाला तेल हमने इसमें डालना है, बिल्कुल भी हमने इसे गर्म नहीं करना है। और तेल डाल के दोबारा हम इसे मिक्स कर लेंगे। हाथ से ही मैं एक बार इसे मिक्स कर लूँगी। और हमें इसका एक सख्त आटा गूंथ लेना है, आटा ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। ऑयल को हमने बहुत अच्छे से आटे में मिक्स कर लिया है, और अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम आटा गूंथ लेंगे। हमने आटा गूंथ के रेडी कर दिया है, और आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है। इसकी कंसिस्टेंसी हमें सेमी सॉफ्ट रखनी है, थोड़ी स्टिफ ही रखनी है। तो इसे अब हम सिर्फ 5 मिनट के लिए साइड में रखेंगे, और फिर हम तुरंत पूरियाँ बनाना चालू करेंगे। फ्रेंड्स, 5 मिनट हो गए हैं, और ये जो डो है हमारा अच्छे से सेट भी हो गया है। जैसे मैंने पहले कहा था, हमें बहुत टाइम नहीं रखना है इसे, तो तुरंत हम इसके पेड़े बना लेंगे। हमने इसके पेड़े बना लिए हैं, और अब हम एक एक पेड़ा बेलना चालू करें। हम इसे बेल लेंगे। हमने इसे बेल लिया है, और इसकी थिकनेस भी आप देख सकते हो, पराठे जैसी थिकनेस हमने रखी है। और अब हम कट कर लेंगे। आप किसी भी कटर का इस्तेमाल कर सकते हो, या किसी भी लिड का आप इस्तेमाल कर सकते हो, बड़ी छोटी जो शेप आपको पसंद है उस शेप में आप इन पूरियों को कट कर सकते हो। फ्रेंड्स, हमारी पूरियां फ्राई करने के लिए तैयार है। तेल हमारा गर्म हो गया है, और पूरियों को हम तेल में डालेंगे। फ्रेंड्स, जब आप पूरियां तेल में डालो तब आंच जो है वो हाई होनी चाहिए, तेज़ होनी चाहिए, तो ही आपकी ये जो पूरियां है अच्छे से फूलेंगी।
आप देख सकते हो कितनी अच्छे से ये जो पूरिया है हमारी फूल गई है। एक बार पूरिया फूलने के बाद गैस की जो आंच है हम थोड़ी मीडियम रखेंगे और इन्हें हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे मीडियम आंच। हमारी ये पूरिया बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है, कलर भी आप देख सकते हो सुनहरा हो गया है और अच्छी खस्ता भी हो गई है। तो इन्हें अब हम निकालेंगे और इसी तरह से हम सारी पूरिया फ्राई कर लेंगे। आप सुन सकते हो कितनी है बहुत अच्छा खस्ता बनी है। फ्रेंड्स, हमारी ये खस्ता पूरिया तैयार है, बहुत क्रिस्पी बनती है, यम्मी लगती है। आप बच्चों को स्कूल में इसे टिफ़िन बॉक्स में दीजिए या आप चाय के साथ एंजॉय कीजिए। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।